अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सेवी डॉट कॉम। दोस्तों, नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज की इस वीडियो में आपको अनाउंस होने वाली फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी की जॉब्स के बारे में बताऊंगी। इस पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसेस मैं आपसे शेयर करूँगी इस वीडियो में। अपने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है ताकि आपका कोई भी स्टेप स्किप ना हो जाए। ये तो दोस्तों, ये जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं इसमें जो है मेल्स और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मेल्स और फीमेल दोनों के लिए। तो आपने जो है वीडियो को देने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है ताकि हमारे डेली की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो डायरेक्टली चलते हैं हमारी वेबसाइट slavy.com पे। आपने आ जाना है गूगल पर, आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है slavy.com। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने जो पहला लिंक है यहाँ पर क्लिक करके आपने हमारी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जब आप हमारी वेबसाइट ओपन करेंगे वहाँ पर आपको इसकी पोस्ट नजर आएगी। सबसे पहले जो है आपको वहाँ पर इसका ऐड मिलेगा। तो मैंने जो है इसका ऐड ओपन कर लिया ताकि इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर सकूँ। तो दोस्तों, आपको बताते चलूँ कि इसमें जो है ये जो डिपार्टमेंट है ये गवर्नमेंट के अंदर ही काम करता है इदारा। इसमें जो है एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी की जो जॉब्स है इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहली पोस्ट है सिक्योरिटी सुपरवाइजर की है, टोटल 8 इसमें वैकेंसीज है। मैट्रिक आपके पास क्वालिफिकेशन होने चाहिए। ड्राइवर की पोस्ट है, मिडिल पास आप होने चाहिए। डीएमओ की पोस्ट है, मैट्रिक पास होने चाहिए। और इसके अलावा जो है वायरमैन इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है, यहाँ पर जो है ट्यूब वॉल ऑपरेटर की है, प्लम्बर मेसन और कंप्यूटर और नैब का की पोस्ट है। यहाँ पर जो पोस्ट है इसमें आपके पास मिडिल पास आप होने चाहिए। और यहाँ पर हेल्पर और माली और सिक्योरिटी गार्ड की जो पोस्ट है इसमें आप बस पढ़ना लिखना चाहते हो, 30 की एज लिमिट है तमाम पोस्टों के लिए। तो इसके जो है नेक्स्ट ऐड की इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे आप लोगों ने इसमें जो है अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको बताते चलें, हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर की पोस्ट है, बीएससी आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, ड्रोन कैमरा की पोस्ट है, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, इंस्पेक्टर रेवेन्यू की पोस्ट है, इसमें ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए, बिल्डिंग इंस्पेक्टर की पोस्ट है, डीएई सिविल डिप्लोमा जिसे कहते हैं वो आपके पास होना चाहिए, सिस्टम की पोस्ट है, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पर जो है नीचे आपको लास्ट में इसकी पोस्टें दिखाते हैं, स्टेनोटाइप इसकी पोस्ट है, इसमें जो है आपको बताते चले बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 40 वर्ष परमिट आपकी शॉर्ट लर्निंग टाइप इसमें होने चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास होना चाहिए, कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिविल की पोस्ट है, इसमें आपके पास है FSC आपके पास जो है क्वालिफिकेशन होने चाहिए, आपके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल सिविल में। सुपरवाइजर मेंटेनेंस की पोस्ट है, सब इंजीनियर की पोस्ट है, इसमें आपके पास जो है सुपरवाइजर मेंटेनेंस आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, इसमें आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर लास्ट में आपको बताते चलेंगे UDC और LDC की पोस्ट है, इसमें आपको बताते चलें UDC के लिए आपके पास इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 30 आपकी एज लिमिट है, जूनियर ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट है, मैट्रिक आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन में। सो उसके अलावा जो है सर्वेयर की पोस्ट है, इसमें आपके पास इंटरमीडिएट भी डिप्लोमा होना चाहिए। और LDC की पोस्टें हैं, इसमें जो आपके पास मैट्रिक होना चाहिए, टाइप स्पीड आपकी 30 वर्ष परमिट होनी चाहिए। तो अब आपको बताते चले कि आप लोगों ने इसमें अप्लाई कैसे करना है। आपने जो पहले इसकी असली में आपने 100 रुपीज़ की चलान फॉर्म डाउनलोड करके उसकी फीस जमा करवानी होगी, और फिर आपने इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 21 फरवरी है, आपने 21 जब से पहले पहले तक आपने इसका एप्लीकेशन फॉर्म अपने जो है सबमिट करवाना देना होगा। जब आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे वहाँ पर आपको इसका जो चलान फॉर्म डाउनलोड करने का ये ऑप्शन मिलेगा। ये चलान फॉर्म अपने जो है इसको प्रिंट करवा कर आपने इस फीस को फिल करके अपने असली में फीस सबमिट करवानी है। बैंक वाले बैंक अपने अपने पास रख लेंगे। और जो आपकी जो है यहाँ पर आपको बताते चले फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी का जो चलान फॉर्म है ये आपने जो इसकी खींच लेनी है। तो इसमें जो है कैंडिडेट कॉपी अपने अपने पास रख लेनी है। जब आप इसमें जो फीस सबमिट करवा लेंगे, आपने जो है यहाँ पर जब आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे इसका जो है ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लिंक आपको वहाँ पर मिलेगा, तो आपके सामने से ऑनलाइन पोर्टल ओपन होगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपने जो है इसको फिलअप करके यहाँ पर अपना चलान फॉर्म अपने जो है पिक आप लेंगे वो आपने यहाँ पर पेश करनी होगी। और आपने अपना रिसीवर अटैच करके तो आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना होगा। इसके अलावा आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको अप्लाई करने में कोई भी कन्फ्यूजन होती है। तो दोस्तों, इस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। तो अगर आपको इसमें अप्लाई करने में कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।